मंजूलाली मंजर। राधा कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, भीतर भीतर में भजन कर रहे हैं और उनकी सेवा में कभी पंखा झल रहे हैं, कभी तांबुल की बीटी बना करके दे रहे हैं, किंतु उस भाव में रह करके कर रहे हैं, सिद्ध अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के करते हैं। ये भजन है राधा निवास। ऐसा नहीं गए माधुपुरी 10 गांव से मांग लाए और लड्डू पूरी ले लिया, कचौड़ी बना लिया, अपनी सब्जी बना लिया, खाया और पास सो गए और रात भर सोते रहे, दिन भर सोते रहे। ये भजन नहीं है। ऐसे आदमी कभी लाख जन्म में भी लोकनाथ गोस्वामी का जैसे जाकर के करेंगे नहीं होगा। गुरु वैष्णव के निकट रह करके सीखो भजन क्या चीज होता है। साधन और भजन में अंतर है। उन लोगों का साधन नहीं था, उनका क्या था? भजन था। हम लोग अभी साधन कर रहे हैं। अभी चित्त में भगवान के नाम के प्रति रुचि नहीं आई, ये विश्वास नहीं है कि नाम करने से हमारा सब कुछ हो जाएगा। इसलिए गुरु कहते हैं जैसे जाओ भिक्षा लाओ, कहते कि ये काम करो, ये मंदिर बनाओ, अरे दिन रात वैष्णव की सेवा करो, जैसे वो प्रसन्न हो, कुछ सुकृति पुष्ट हो, उनकी कुछ कृपा हो, तो ये भजन के विषय में प्रवेश करके तब आगे बढ़े। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल।